इंजन ना टक जाए ना साइड में। खाई देख रहे हो कितनी गहरी है और ये कोने कोने में सारी मिट्टी है। जाओ चलो भाई बर्फ। देखो हमसे कौन मिलने आया है आज। कैसे हो चाचा? बहुत बढ़िया भाई। ये आ नहीं रहे थे, ये यहाँ पर आए हुए थे, गुरुजी का कीर्तन था तो इनका कॉल है कि आजा मिलते हैं, तो मतलब यहाँ आज कह रहे घर के अंदर नहीं आऊंगा, अच्छा नहीं लगता। शर्म आ रही है, समझ ले कुछ नहीं। तो अभी हम जा रहे थोड़ा मार्केट वार्केट घूमने, कह रहे यहाँ पर हम एक दो मार्केट दिखा दे, बिकॉज जैसा इनका काम दिल्ली में है ये सोचे कि यहाँ पर भी ला सकते हैं वो वाला काम, तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए। तो ये अपनी राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, हाइड्रेशन बैग, ये अपना ड्रोन कैमरा, ये अपना बैग जिसमें हम सामान लेके जा रहे हैं, और साथ में एक टॉप बॉक्स लेके जाऊंगा। तो आज रात को हम निकलने वाले, फाइनल हो गया, बाइक लेके जा रहा हूँ, 12-1 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। अभी 6 या 7 ही बजे, कितना टाइम हो गया भाई? 6 बजे। तो ये हम आ चुके हैं सेक्टर 23 की मार्केट, स्पेशल दिखाने लाया हूँ चाचा को। यहाँ पर सब कुछ है, सारे बैंक मिलेंगे आपको, दुनिया भर की गाड़ी मिलेगी, दुनिया भर का जाम मिलेगा। अच्छा, आप मुंह से आवाज करो आपको चाहिए क्या, यहाँ पर वो मिलेगा। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना, टॉप बॉक्स के अंदर ड्रोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कैमरा एक्सेसरीज हो गई, ये सारी चीजें रखूंगा, और जितने भी कपड़े वपड़े वो वाले बैग में रखूंगा। ओए तेरी टैची ले जाऊं मैं? पक्की बात है? ये मेरे को अच्छा लग रहा। हाँ ज्यादा कपड़े नहीं आते मेरे तो, ये सारे कपड़े हैं और वो थोड़े कपड़े और थोड़े अलमारी में पड़े, आ जाएंगे सारे? नहीं आएंगे तो टूटेगी तो सही, क्या हो गया लेके जाने में? फिर तो क्या हो गया मेरे को? नहीं मैंने गोवा से, नहीं मैंने अमेरिका से ली। अबे जहाँ से भी लिया था हमें देना, इधर ट्रा में ना कर दे मेरे को, इधर मैं लेके जाऊंगा इसको। तो वो कुछ चीजें चार्जिंग पे लगी हुई है और हमारा सामान ऑलमोस्ट पैक है और यहाँ लाइटें बंद हो चुकी है। हम जा रहे हैं आज मामा जी मामी जी के घर, उनके घर पे डिनर हमारा, बिकॉज कल मामी जी का बर्थडे था तो आज उन्होंने डिनर रखा है। तो चंदन भैया ने हमारी बाइक ऐसे चमका दी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम से नई लेकर आया हूँ। बस 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 रहने दो, अरे रंग उतर जाएगा। चंदन भैया क्या कर रहे हो? चलो आ जाओ फटाफट चले। मामा जी पहली बार काम करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप मामा ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ। ज्यादा वाली कौन सी है? ये वाली। नहीं नहीं मेरे को कम वाली लेनी है, फिर नींद आ जाएगी ना रात को बाइक चलाते चलाते। तो ये हम आ गए 24/7 और यहाँ पर क्या करने आए हैं? यहाँ पर वो आजकल रील नहीं चल रही, वो रेडी आ गया कि चलती रही तो पीछे वो डांस करते हैं। नहीं भाई राइड पे जाना, रेडबुल लेने आए हो यहाँ पर। तो 2 रेडबुल लिए, साथ में एक च्युइंगम लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को राइड के लिए। ये रहा हमारा गॉगल, हमारा हेलमेट, ग्लव्स इसके अंदर ही है। चलो भाई चलो। और ये हमारी बाइक जो कि पूरी रेडी है। यहाँ आ चुका है कुलदीप। हेलो कैसा है भाई? मॉर्निंग है ये, रात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया माइंड। 12:30 हो चुके तो वैसे मॉर्निंग ही हो रही है, सुलन मॉर्निंग हो रही है। और ये इसकी बाइक सेम, इसने जैसे मैंने बैग बांधा है सेम आगे सेम पीछे टॉप बॉक्स, इस बार पैनियर लेके जाने का मन नहीं था। तो अभी अपना राइड का प्लान बताया तो हम जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं केदारनाथ और बस भगवान के पास जा रहे हैं, मतलब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान ये करे, कौन सी जगह? फेवरेट। अच्छा इसकी फेवरेट जगह, तो भगवान के पास जा रहे हैं तो मेरे को लग रहा है फोन बार बार आ रहे हैं। भगवान के पास जा रहे हैं, फोन बार बार आ रहे हैं, मतलब अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं, बहुत सारे बंदों की प्रेयर्स लेके जा रहे हैं और बस अच्छा सा लग रहा है कि भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ केदारनाथ। तू? मेरा फर्स्ट टाइम। पहली बार, और आप लोग नहीं गए ना, तो आप लोग मेरे साथ पहली बार जा रहे हो, तो ठीक है भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 12:30। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी प्रणाम और छोटों को हेलो। होप करते हैं आप सब इतना बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना, बस अब बाइक पे मिलते हैं। चलो बाय बाय, चलो बाय बाय लीन भाभी, चल बहन तू भी आशीर्वाद दे दे आज। चलो लेट्स गो। देखो बचपन में ना मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, घर से जब भी निकलो ना, मतलब कहीं पर भी जाने के लिए, भले ही घर से तुम 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, हमेशा भगवान से प्रे करके निकलो, अच्छे से जाओ, अच्छे से आओ। Here we are at Dholakuwa पेट्रोल पंप। यहीं पर अपने को प्रमोद भाई ने मिलना है जो कि नज़र नहीं आ रहे, आई थिंक अभी तक आए नहीं है, कोई नहीं तब तक हम रिफ्यूल करवाते हैं। फुल कर दो, बस 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 बस। तो 2600 का पेट्रोल आया, 24 लीटर, 5-6 लीटर पड़ा हुआ था इसके अंदर। ओ हो जा बंद भाई, पहले मेरे ऐसे हाथ पे भी लगी थी। इसकी टैंकी 31 लीटर। तो प्रमोद भाई भी आ गए हैं, अपनी बाइक को धक्का मार रहे हैं। क्या पेट्रोल खत्म हो गया क्या? धक्का क्यों मार रहे हो, स्टार्ट कर लो। अच्छा पेट्रोल, ओहो बहुत दूर जाना है इसलिए पेट्रोल बचा रहे हैं। चले भाई रेडी हो? इनका सामान भी भाई एकदम पूरा सेट है। अब हमारा यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप है अक्षरधाम। चलो चलो चलो।
हे वाहेगुरु जी कृपा करना, अच्छे से जाएं, अच्छे से आए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ, नहीं डिम्पी बाजी का जहाँ वेट करना था अक्षरधाम के, यहाँ पर डिम्पी बाजी हमेशा पहले आए थे, आज पता नहीं क्यों लेट हो गए। घर से निकलते मैंने उनको फ़ोन भी करा था, यहाँ से उनका घर सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है और हमारा घर पौने घंटे का रास्ता है। पौना घंटा हम बाइक चला के यहाँ आ गए, डिम्पी बाजी नहीं पहुँच पाए। और अपनी बाइक यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है मेरे को, मतलब हे भगवान मेरी नज़र ही ना लग जाए, मतलब कैसे चमचमा रही है। और कुलदीप भाई की बाइक भी कम नहीं लग रही और प्रमोद भाई की बाइक भी कम नहीं लग रही, सब एक नंबर, एक से बढ़कर एक। प्रमोद भाई नहा के आयो? नहा के आया हूं। तो आप भी एक नंबर लग रहे हो, तू नहा के आया? मैं तो ऑलवेज नहा के आता हूं। ऑलवेज नहा के आता है, तू भी एक नंबर। और तुम्हारा भाई तो तुम्हें पता ही है एक नंबर है, अभी अपने पास है। कौन नहा के नहीं आया? मैं नहा के नहीं आया, तब भी मैं कह रहा हूं मैं ऑलवेज एक नंबर भाई, मैं दिन में नहाया था, अभी सीधा सोनप्रयाग जाके नहाऊंगा। और अभी अपने पास वेट करने के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आते हैं उनसे मिलवाते और आगे चलते हैं, तब तक हम थोड़ी बातें बातें मार लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, लेट लतीफ, लेट लतीफ है भाइयों के। आज हम पहले आए हैं, अब आप बोल नहीं सकते। आज पहले आए, पहले आया ना पूरे टाइम पे। सो इट्स टाइम टू मूव, टाइम हो चुका है रात के 1:44, कोशिश ये रहेगी 6-7 बजे तक हम ऋषिकेश क्रॉस कर दें, क्योंकि उसके बाद हमें श्रीनगर तक गर्मी मिलने वाली, श्रीनगर के बाद अच्छा मौसम मिलेगा। ये श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं है, ये श्रीनगर ऋषिकेश के ऊपर वाला है, दो श्रीनगर है, कश्मीर वाला एक ऋषिकेश वाला। तो यहाँ आई थिंक कोई एक्सीडेंट हो गया है, नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई फैमिली खड़ी है। और ये कौन सा टोल आ गया है, काशी फी काशी, पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक लिया था बिकॉज प्रमोद भाई के पास हाइड्रेशन बैग नहीं है, तो उन्होंने एक पानी की बोतल ली है, बाकी सबके पास, चारों राइडर के पास हाइड्रेशन बैग है और होना भी ज़रूरी है, रास्ते में प्यास लगती है, फटाफट से पानी पियो और निकलते चलो। अभी यहाँ से हरिद्वार रह गया करीबन 110 किलोमीटर, तो हमने सोचा है पहला ब्रेक वहीं पर लेंगे। कैमरे में बातें कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि अगला ब्रेक हरिद्वार में लेंगे। तो अभी टाइम हो गया 4:30 और 4:30 से मेरे को एक डायलॉग याद आया, सुबह के हो गए 4:30 एंड वी आर क्रॉसिंग हरिद्वार, मतलब मन में आया तो मैंने बोल दिया हरिद्वार हम क्रॉस कर रहे हैं। ऋषिकेश यहाँ से रह गया करीबन 23 किलोमीटर, अगर हम नहीं रुकते तो 5 बजे तक हम ऋषिकेश भी क्रॉस कर लेंगे। लेकिन कुलदीप को लग रही है बहुत तगड़ी वाली भूख, हम सारे तो घर से अच्छा खासा डिनर करके निकले थे, मतलब फुल कहते ना फुल बटा फुल वाला, कितना बढ़िया लग रहा है ना, लाइट वाइट सही है, एकदम सही टाइम से हम पहुंच रहे हैं। लो जी मैं तो कह रहा था 5 बजे हम ऋषिकेश पहुंचेंगे, लेकिन 5 बजे से पहले पहुंच गए हैं 4:53। अभी अपने को पेट्रोल पंप ढूंढना है बिकॉज 2-3 बाइकों में पेट्रोल रिफिल करना है, अपनी बाइक में तो है काफ़ी पेट्रोल, अभी 450 किलोमीटर और चल जाएगी, मतलब जहां हमें पहुंचना वहां हम इजीली पहुंच जाएंगे। वाह वाह वाह, बाइक बंद होते कितनी शांति है। कुलदीप को ही पेट्रोल नहीं चाहिए, अपनी बाइक को तो वैसे नहीं चाहिए, बाकी 3 बाइकों में डल रहा। ऋषिकेश का गुरुद्वारा, बाहर से दर्शन कर लो, वाहेगुरु जी कृपा करना। चलो 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 चलो, स्पीड बढ़ाओ, पूरा जोश दिखाओ। तो ये है लक्ष्मण झूला, आई थिंक दिस इज लक्ष्मण झूला, राम झूला भी हो सकता है, पहले लक्ष्मण झूला आता है या पहले राम आता है, मैं भूल गया हूँ, पहले लक्ष्मण आता है फिर राम आता है। तो ये मेन रोड जा रही है, चलते चलते एकदम से अपने को एक ढाबा दिखा, आई डोंट नो ओपन है कि नहीं है। ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मैगी शैगी यार, नहीं तो कुलदीप बेचारा भूख से ही मर जाएगा। तो देखते ही देखते दिन हो गया और देखते ही देखते प्लेटें खाली हो गई हैं। वो यही लगा हुआ है केला। अबे बस कर दे। वो हमने छुपा के रखी नहीं तो वो भी गायब हो जाती है भाई। पहले अपना आमलेट खाया, बन आमलेट, फिर इनका खाया, एक पीस मेरे से उठा के खा गया। भैया दो बन आमलेट और है, दो बन आमलेट आ रहे आ रहे हैं। तो भाई और 15-20 मिनट रेस्ट लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे शाय शाय करते हुए, कम से कम 7-8 घंटे का रास्ता और है। अभी ऐसा लग रहा है हल्की हल्की नींद आ रही है, कोई नहीं अपने पास रेड बुल पड़ी हुई है, एक रेड बुल खींचेंगे और गायब। ये मेरा है भाई, बोरा ये मैं जलाओ मेरे को दे दिया बढ़िया वाला, आधा कर ले अबे कुछ तो शर्म कर। यार तू पागल तो नहीं, रुको तो सही, ऐसी कौन सी हो जाएगी कि मर ही जाएगा एकदम से, रुकता भी नहीं है ये भाई। तो ये हमने पहला ब्रेक लिया था दिल्ली से यहाँ तक और कम से कम 1 घंटा बैठे हैं यहाँ पर, टाइम हो गया है 6:43
और पीछे हवा वाला है। एक बार मैं अपने दोनों टायरों की हवा चेक करवा देता हूँ। भाई जी आगे वाले में 36, पीछे वाले में 42, एक बार चेक कर दो दोनों में। श्रीनगर 69, बद्रीनाथ 263। तो हमें बद्रीनाथ ही जाना, हमने श्रीनगर से थोड़ा और ऊपर जाके रास्ता कट जाएगा, बद्रीनाथ का इधर हो जाएगा और हमारे वाला रास्ता इधर हो जाएगा। अभी जहाँ पर आमलेट और मैगी खा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था भाई तगड़ी नींद आने वाली है, एक दो घंटे की नैप ले लेते हैं, सबको ही आ रही थी। लेकिन अभी क्या है ना, पहाड़ों वाला रास्ता है, बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिख रहे हैं, गोलमोल रोड आ रही है, नींद एकदम उड़ चुकी है, मतलब मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और मौसम तो ठंडा है ही है, सूरज देवता भी सर पे आ चुके हैं और चुभने वाली धूप फेंक रहे हैं। चुभने वाली मीन्स गर्मी नहीं हो रही, मौसम तो ठंडा है लेकिन सीधा आँखों में लग रही है, सामने का नज़र ही नहीं आ रहा। ऊपर से मैंने अपने गॉगल का ग्लास भी वाइट लगाया हुआ है, ब्लू वाला मेरे पास है, अभी थोड़ा आगे जाके रुक के ना ब्लू वाला लगा लूँगा, फिर बाइक चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो सामने नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है। बस एक मिनट रुक जाओ, इसको चेंज कर लूँ। आँखों में भाई साहब बड़ी तेज लग रही है सूरज की रोशनी ना, सामने नज़र नहीं आ रहा। अब ये सही हो गया ना, अब ये धूप को काटेगा। चलो अबे क्या भाई, मारना चाहता है क्या, ऐसी बता दे। नज़ारा देखो नज़ारा, सारे के सारे बादल नीचे आए हुए हैं, घूमने आए हैं, घूमने जैसे हम पहाड़ों पे घूमने आते हैं ना, वैसे बादल भी नीचे आए थे कभी कभी। वो देखो नीचे वाले पहाड़ दिख रहे हैं, उसके बाद ऊपर बिल्कुल गायब है, सामने जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ा पहाड़ है जो कि बादलों ने छुपा दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा सा बादल नीचे आ गया है घूमने के लिए। केदारनाथ इज 143 किलोमीटर, और इस रास्ते में पेट्रोल पंप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, जगह जगह पर पेट्रोल पंप है, मतलब हर 30-40 किलोमीटर के बाद तो है ही है, तो पेट्रोल की कोई टेंशन मत लेना, बस बाइक उठाओ और निकल जाओ, मतलब गाड़ी पे भी आ सकते हो, अपने को तो बाइक पे मज़ा आता है भाई। वो सामने से सारा ऑफ रोड रास्ता शुरू हो जाता है, सारा तो नहीं थोड़ा बहुत तो है ही है। अभी तो पहले से रोड बहुत सही कर दिया भाई, वीडियो बना रहा है, वीडियो में हेलो कर देते हैं, हेलो। तो पहले से रोड बहुत सही हो गई है, जब मैं हेमकुंड साहब आया था इसी रास्ते से आया था, पहले से सही हो गई, लेकिन उतनी भी सही नहीं हुई, आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया हो जाएगी। अभी देखो कितनी छोटी सी रोड है। ओहो भाई सेल्फी के साथ वीडियो बना रहा है, क्या बात है। इंजन ना टक जाए ना साइड में, कोई नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, खड़े हम भी। तो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये जितनी भी रोड देख रहे हो ना, ये हाल फिलहाल में चोरी हुई है, मतलब पिछले 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल पहले मैं हेमकुंड साहब गुरुद्वारे आया था तब इतनी बढ़िया रोड नहीं थी, लेकिन अभी रोड मतलब ऐसी है ना मक्खन। तब मैं आई थिंक Z800 लेके आया था अपनी, जो मेरी सुपर बाइक थी, और कमर में ऐसा दर्द हो गया था, बम में ऐसा दर्द हो गया था ना, उछल उछल के, इतना ज़्यादा ऑफ रोड था। लेकिन अभी तो भाई ऐसे मज़ा आ रहा है ना, जैसे लग रहा है हाईवे पे बाइक चला रहा हूँ, पहाड़ों पे नहीं चला रहा। अच्छा नहीं नहीं मैंने बोला गाड़ी वहाँ खड़ी करके पैदल आएंगे, ऐसे ही आए थे, क्या चेक करवाना है यहाँ पर। अच्छा एंट्री करानी है, ओके तो यहाँ करानी है अपनी एंट्री, बाइक नंबर नाम वाम वही सब लिखवाना होगा, और तो क्या ही होगा। तो यहाँ रुके थे 5 मिनट के लिए, लोकेशन अच्छी लग रही थी, पानी बढ़िया लग रहा था, पहाड़ बढ़िया लग रहे थे, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहीं पर खड़े होकर एक फ़ोटो खींची और यहीं पर खड़े होकर इंस्टा पे अपलोड भी कर दी है, मतलब सर्विस देख रहे हो कितनी फास्ट है। और रात को 1 बजे चले थे, 1 क्या 1:30 हो गया था निकलते निकलते, और अभी 9 बज रहे हैं, 10:30 तक हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, एकदम बिल्कुल कहते ना टाइमिंग के हिसाब से पहुंचे, वैसे तो टाइमिंग से पहले ही पहुंच गए, हमें लगा था दोपहर के 1-2 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। सो हियर वी आर इन श्रीनगर, काफ़ी बड़ा शहर है ये, यहाँ से करीबन करीबन हमारा जो रास्ता रह जाता है 2 घंटे का रह जाता है, मतलब 1.5 से 2 घंटे लगा लो। इतना ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, या तो कोई चेकिंग हो रही है या कोई लैंडस्लाइड हुई है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके 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 आगे चल रहा है काम, तो इन्होंने वन वे ओपन किया हुआ है, या गाड़ी आएंगी या जाएंगी। मैं चला शहर से दूर, ओके
ओके ओके ओके, इसी की वजह से लग रहा था जाम। लेकिन हमारे पास है, मतलब क्या बताऊं, दरियाई घोड़ा जो कूदते हुए शाय 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 करता हुआ पार। या तो रुको या तो निकल लो, वैसे निकलने की जगह तो नहीं है। निकल लिए भाई, टाइम से निकल लिए। खाई देख रहे हो कितनी गहरी है, और ये कोने कोने में सारी मिट्टी है। बंदा गया तो गया। तो आज कुलदीप ने हमें बहुत परेशान करा है। सुबह सुबह कहता भूख लग रही है, भूख लग रही है, अब ज्यादा खा लिया तो कह रहा है अब जाना है वॉशरूम। हाँ भाई, हो भाई, सुबह के टाइम सब फ्रेश होते हैं। फ्रेश की बात नहीं कर रहा मैं, रहा सुबह सुबह कहता भूख लग रही है, भूख लग रही है, अब खा लिया तो कह रहा अब निकालूंगा निकालूंगा। वो तो मैं सुबह निकालने के लिए वैसे ही मन कर रहा था मेरा। अच्छा, सुबह से ही मन कर कह रहा है, सुबह से मेरा निकालने का मन कर रहा था। छी गंदी बात है, चल भाई तू जा। तो मैं आपको कह रहा था 11 बजे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन 11:45 यहीं पर हो गए हैं। लास्ट जिस पॉइंट पे हम रुके थे ना, 1.5 घंटा वहीं रुके रहे। पहले कुलदीप वॉशरूम गया, फिर उसके बाद कंवल गया, फिर प्रमोद भाई गए, फिर खड़े होकर बातें करते रहे, फिर कुछ सब्सक्राइबर आ गए उनके साथ बात करने लग गए, फिर फोटो वोटो खिंचवाई। देखो हमें जल्दी तो है नहीं, जहाँ 11 पहुँचना था वहाँ 1 पहुँच जाएंगे। आज पूरा दिन आराम करना है, कल हम करेंगे चढ़ाई। तो अभी ये जितना भी रूट है, जितना भी रास्ता है, मेरे लिए बिल्कुल नया है, बिकॉज पीछे एक रास्ता है था बद्रीनाथ के लिए, ऊपर कट गया था और हम नीचे वाले रास्ते पे आ गए। हम जब एक बारी माना विलेज गए थे, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तब भी उस रास्ते से गए थे। हेमकुंड साहब गुरुद्वारे गए थे, तब भी उस रास्ते से गए थे। ये रास्ता मेरे लिए बिल्कुल नया है। ऐसा जाम है ना, ऐसा जाम मैं बता नहीं सकता। पिछले 5 या 6 किलोमीटर से तगड़ी लाइन लगी हुई है। ये तो भगवान का शुक्र हम गाड़ी लेके नहीं आए, हमारा प्लान गाड़ी का था या बाइक का था। अगर गाड़ी लेके आते ना तगड़ा फंस जाते। ओके, रोड बहुत छोटी है उस वजह से जाम है। ओहो, मैं फंस गया। इतना तगड़ा जाम है ना, इतना तगड़ा जाम। बस मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा गाड़ी लेके आ रहा ना, सोच समझ के आना, कम से कम उसके 7 से 8 घंटे जाम में जाएंगे। ओए होए होए, बंदे नहा रहे भाई, क्या किया जाए, नहा लिया जाए या छोड़ दिया जाए। सुंदर, अति सुंदर। तो डिम्पी बाजी का कहना है खाली मुंह हाथ धो लेते हैं, और मेरा कहना है नहा लेते हैं। अरे एक मिनट रुकना जरा, मुंह बंद करो, हाथों मत, मूछें बन गई आपकी है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, दिख रही है आपको, थोड़ा गैप रह रहा होगा ना। तो मैं तो कह रहा हूँ नहा लेते हैं। डिम्पी बाजी कह रहे खाली मुंह हाथ धोते हैं, और वाटरफॉल भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो भाई डिम्पी बाजी ने तो मना कर दिया, वो नहाने नहीं जा रहे, लेकिन मेरे मन में जो आ जाता है ना वो करना ही करना है। मैं जा रहा हूँ नहाने, और भाई बढ़िया। अभी बंदर ले जाएगा, जो बंदर को चाहिए होगा, जो चाहिए होगा बंदर को, बंदर ले जाएगा अभी आके। जो चाहिए होगा, हमसे बड़ा बंदर है क्या कोई। जाओ, क्या हुआ भाई, बर्फ, इतना ठंडा पानी ना, जान सूख गई है, दोबारा जाऊंगा। क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ ऐसी ताजगी आ गई है ना, आप मेरे को बोलोगे बाइक अभी लेके वापस जाना, मैं घर जा सकता हूँ। तो अभी चल लेंगे ना, हेलीकॉप्टर से ऊपर चलते, हेलीकॉप्टर से ऊपर जाते दर्शन करते, हेलीकॉप्टर से नीचे आते और सीधा घर निकल जाएंगे। मजा आ गया भाई, डिम्पी बाजी अभी भी कह रहा हूँ नालो, और कुलदीप और उसको प्रमोद को कहेंगे बाय बाय, मिलेंगे दिल्ली में। प्रमोद तो अभी यहाँ तक ही नहीं पहुंचे। मतलब नहा के ऐसी ताजगी आ गई है ना, क्या ही बताऊं, मजा आ गया। डिम्पी बाजी को बोलता रह गया मैं, नहा लो भाई, नहा लो, शर्माओ मत, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और भाई हम तो है बेशरम, मेरे को मन कर रहा था नहाने का, मैं फटाफट से अंदर कूदा, नहाया, बाहर आया, रेडी हुआ, बाइक पे बैठा, आगे जा रहे हैं। ये है हमारी बाइक, और ये है सामने का व्यू, और ये है आनंद जिसको हमने पहले फोन किया था, रूम बुक रखी हो। कितने रूम है हमारे, रूम आपके 2000। अरे रूम कितने हैं, रूम 1 रूम है आपका। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए, सिर्फ एक रूम दिए, 5 बंदे एक रूम में। अभी रूम दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये रूम है। नाना वो मैं ले चुका हूँ भाई पहले, नाना मैं पहले बोल चुका हूँ, पाजी मैंने आते बोला नहीं था, मैंने बोला यार। हाँ, खाना लग गया, खाना नहीं खाएगा। क्या, ये देखो भाई सब कैसे सो रहा है। ये इसका हेलमेट, ये टैंक बैग, ये राइडिंग जैकेट,
जब रूम में घुसे थे ना, मैंने सबको बोल दिया था भाई रूम छोटा है, एक्चुअली चक्कर क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब इस एरिया में यहाँ पर होटल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तो इनको मैंने फ़ोन कर दिया था तो एक रूम इन्होंने हमारा रख लिया, वैसे मैंने दो रूम बोले थे, उनको ध्यान नहीं रहा, मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो गई, उसके चक्कर में सिर्फ एक ही रूम मिला। तो मैंने बोला भाई जितना सामान है ना उसको ढंग से लगा दो, पाँच बंदे इस रूम में आने मुश्किल है लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे सारे राइडिंग जैकेट पैंट सब यहाँ पर है, ये हमारे कपड़े हैं, ये हमारे हेलमेट हैं, ये हमारे शूज़ हैं और इसका सारा सामान इसके साथ बेड पे ही है। तो हमने दाल चावल बनवाए थे, दाल चावल लग चुके हैं सामने, खाते हैं और फिर उसके बाद सोते हैं। नींद आ रही है बहुत तेज, लेकिन भूख भी लग रही थी बहुत तेज। हाँ भाई कैसा टेस्ट है? अब बढ़िया ही लग रहा है, जो भी है खाया नहीं खा लिया, बढ़िया लग रहा है, मजा आ लग रहा है। है एक तो होता है भूख लग रही है तो बढ़िया लग रहा है, एक होता सच में बढ़िया है, अच्छा भूख लग रही है इसलिए बढ़िया है। चलो ठीक है भाई खा लेते हैं, खा के मिलते हैं। तो ये कुछ चावल मंगाए थे हमने, कुछ की जगह वो पतीला ही दे गया, पर मेन चीज मैंने उनको कहा था थोड़ा चावल में पनीर सोयाबीन डाल देना, उन्होंने बोला वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, उन्होंने मतलब लिटरली यही बोला कि वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे आपको पैसे, आप डाल देना पनीर। आप इसमें पनीर डाला जो कि नजर नहीं आ रहा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये कोने में बैठा हुआ है ये रहा, और अगर आप पूरे पतीले में ढूंढ लोगे तो हो सकता है पनीर ना दिखे। और ये है पाली पाजी, सत श्री अकाल पाजी को, सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। और ये है हरमेश पाजी, इनको भी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। तो ये भी, ये करनाल से, ये लुधियाना से, तो इन्होंने भी हमें ज्वाइन करा। तो अभी हमारा प्लान ऐसा है ना, कल का प्लान, कि ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है। चॉपर नहीं मिला तो चॉपर नहीं है, खच्चर नहीं है, पैदल तुम जा नहीं सकते बिकॉज खच्चरों ने थोड़ा कल शायद हेलीकॉप्टर हाईजेक करेंगे, मतलब कल का प्लान हमारा कुछ भी पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। कुलदीप अकेला खा के सो चुका है, उसको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से, बटाटे की तरह ऐसे दे रहे हैं खा लिया। तो बस ठीक है यार, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ले तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। स्पीड ज्यादा तेज होगी भाई वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।